नमस्कार दोस्तों, हिंदी वेब में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा हम अपनी पेन ड्राइव पर पासवर्ड लगा के उसको कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों, कई बार हमसे ऐसा होता है कि हम अपनी पेन ड्राइव को कहीं भी भूल जाते हैं या फिर कहीं भी हम खो देते हैं, तो इस पोजिशन में हमें ये टेंशन रहता है कि कोई हमारा जो डेटा है उसका कोई मिसयूज ना करे। तो इसके लिए मैं आपको एक ऑप्शन बताऊँगा जिसके जरिए आप अपनी पेन ड्राइव को सिक्योर कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने गूगल के अंदर जाएंगे और गूगल के अंदर जाकर हमें यहाँ पे सर्च करना है यूएसबी सिक्योर। यूएसबी सिक्योर को सर्च करने के बाद हमें जो सबसे पहले एक साइट दिखाई देती है जिसका नाम है न्यू सॉफ्टवेयर, हम इसको यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम यूएसबी सिक्योर की साइट में आ जाते हैं और यहाँ पे हमें दो ऑप्शन दिए हुए, सबसे पहले है डाउनलोड, उसके बाद में है बाय नाउ। यदि आप इस सॉफ्टवेयर को खरीदना चाहते हैं तो यहाँ से बाय नाउ पे क्लिक करके इसको खरीद सकते हो, और यदि आपको फ्री में डाउनलोड करना है तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया गया है जहाँ पे लिखा है डाउनलोड, हम यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको डाउनलोड करने के लिए मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो हमारा जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो चुका है, जो करीबन 3.8 MB का है। तो आप देख सकते हो जो हमारा एप्लीकेशन वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अब हमें इस एप्लीकेशन को यहाँ से इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल करने के लिए मैं इस पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद यस पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ से हमें जो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें एग्री पे क्लिक करना है, उसके बाद आपकी जो भी पेन ड्राइव है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पर जी ड्राइव में पेन ड्राइव लगाई, इसलिए मैंने यहाँ पे जी ड्राइव सेलेक्ट किया है। यदि आपने कोई और ड्राइव के अंदर अपनी पेन ड्राइव को डाला तो यहाँ से आपको कोई और सेलेक्ट करना है। तो उसको सेलेक्ट करने के बाद जो आपका ये एप्लीकेशन है उसके अंदर इंस्टॉल होगा, इसलिए यहाँ से हमें इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ से फिनिश पे क्लिक करना है। फिनिश पे क्लिक करने के बाद हमारी जो पेन ड्राइव है वो यहाँ पे ओपन हो जाती है, तो जितने भी फोल्डर है वो यहाँ पे आप सब देख सकते हो। आपको यहाँ पे यूएसबी सिक्योर का भी एप्लीकेशन तो होगा। यदि आप अपने फोटो या वीडियो को यहाँ से सिक्योर करना चाहते हो तो आपको यूएसबी सिक्योर पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यदि आप डायरेक्ट यहाँ से ओपन करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करना है, और आप उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो यानी उस पर पासवर्ड लगाना चाहते हो तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है जहाँ पे लिखा है प्रोटेक्ट दिस यूएसबी ड्राइव, हम इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से अपने पासवर्ड सेट करना है। तो मैं यहाँ पे अपने कोई पासवर्ड लगा लेता हूँ। अब हमें नीचे पासवर्ड को कंफर्म करना है, उसके बाद हमें ओके पे क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए गए, सबसे पहले है लॉक माय यूएसबी ड्राइव, यदि आपको पूरी यूएसबी ड्राइव को लॉक करना तो इस पर क्लिक करना है, और उसके बाद लॉक करने के बाद यदि अनलॉक करना तो आपको इस पर क्लिक करना है सेकंड नंबर पे। यदि आप अपने एक एक फोल्डर को लॉक करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो, और मैं यहाँ से पूरे यूएसबी को लॉक करना पसंद करूँगा। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा लोडिंग होने के बाद कम्प्लीट हो चुका है। तो चलिए अब देखते हैं क्या हमारे जो फोटो या वीडियो यहाँ से ओपन होते हैं या नहीं होते। तो या तो मैं इसको बंद कर लेता हूँ पहले, और मैं एक बार बाहर आ जाता हूँ। बाहर आने के बाद वापस मैं अपनी पेन ड्राइव के अंदर जाता हूँ, और पेन ड्राइव के अंदर जाके आप देख सकते हो यहाँ पे हमें कोई भी फोल्डर या कोई भी फोटो शो नहीं हो रही। यदि आपको अपने फोल्डर या फोटो यहाँ पे शो करने तो आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे उसको अनलॉक करना पड़ेगा। तो अनलॉक करने के लिए जो आपको सेकेंड ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है, और उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपने पासवर्ड कन्फर्म करने हैं, मतलब आपको अपने पासवर्ड लगा के ही आप जो फोटो है और वीडियो उनको देख सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे पासवर्ड लगा के देख लेता हूँ, फिर हम ओके पे क्लिक करेंगे। और अब आपको जो फोल्डर देखने हैं तो आपको यहाँ पे जॉब से मिलता है, जहाँ पे लिखा है व्यू अनलॉक फाइल, तो आपको इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको जितने भी फोल्डर वो यहाँ पे सब करोगे। यदि आप यहाँ पे इसको बंद करोगे या क्लोज करेंगे तो आपको वापस ये दिखना बंद हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज कर लेता हूँ, और मिनिमाइज करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जो फोटो है वो सब यहाँ पे शो हो रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कोई वीडियो देखना तो आप वीडियो के अंदर जाके कोई वीडियो देख सकते हो। तो चलिए मैं वापस यहाँ से इसको ओपन करता हूँ, यहाँ से मैं बंद करता हूँ।
और बंद करने के बाद आप देख सकते हो हमें न तो कोई प्रॉब्लम हो रहा है न कोई यूज हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे उसको सिक्योर किया हुआ है। अब यदि वापस आपको कोई स्पॉट या वीडियो देखना है अपनी पेंटर पर जो भी देखना चाहते हो उसके लिए आपको इस पर क्लिक करके आपको अपने पासवर्ड लगाने पड़ेंगे आपको। तो आज आपने देखा कि हम अपनी पेंटर को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको मेरे वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और सब्सक्राइब करने से आपको मेरे जितने भी लेटेस्ट वीडियो है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। Thank you.